नमस्कार, गुड मॉर्निंग, टाइम्स नाउ भारत देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं दीपिका यादव और मैं हूं श्वेता जी। इन्फॉर्मेशन से भरपूर हमारा ये बुलेटिन शुरू हो चुका है और श्वेता, जैसे कि आज भी दिल्ली एनसीआर में बारिश हो रही है। बिल्कुल, और बारिश हो रही है जिसने मौसम को तो खुशनुमा कर दिया, लेकिन यही बारिश कहीं कहीं आफत बनकर भी बरस रही है। जी हाँ, बाढ़ बारिश की तमाम अपडेट्स हम आपको पूरे एक घंटे में दिखाएंगे और भी जो खबरें हैं, चाहे वो एंटरटेनमेंट जगत से जुड़ी हुई हो, पॉलिटिक्स से जुड़ी हुई हो, तमाम खबरें दिखाएंगे। लेकिन फिट इंडिया के सुपर हिट बुलेटिन में एक घंटे के लिए आपको हमारे साथ बने रहना होगा। तो आधे हिंदुस्तान में जबरदस्त बारिश इस वक्त हो रही है, सड़कों में अभी भी पानी भरा हुआ है, लोगों को चलने में अभी भी दिक्कत हो रही है। जी हाँ, बीते दो दिन से मध्य प्रदेश में जिस तरीके से बारिश हो रही है उसने पूरे मध्य प्रदेश को एक तरीके से डुबो कर रख दिया है। अलग अलग शहरों से जो तस्वीरें सामने आ रही है वो यही बता रही है कि हालात वहां बुरे हैं। ताजा हालात क्या है मध्य प्रदेश के, दिखाते हैं आपको इस रिपोर्ट के जरिए। मध्य प्रदेश में मॉनसून पूरे एक्टिव मोड में है। पिछले दो दिनों से हो रही बारिश ने पूरे एमपी में बाढ़ जैसे हालात पैदा कर दिए हैं। नदी के रौद्र रूप की तस्वीरें उज्जैन से सामने आई हैं, जहां पांच गांवों को जोड़ने वाली इस पुलिया पर पानी का कब्जा हो गया है। ये पुलिया जिले के मशहूर श्री चामलेश्वर महादेव मंदिर जाने का रास्ता भी है। हालात ऐसे होने के बाद मंदिर जाने वाले श्रद्धालुओं को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। दूसरी तस्वीर एमपी के रायसेन की है, जहां पुल पर ओवरफ्लो होने की वजह से कई गांव से संपर्क टूट गया है, लेकिन फिर भी लोग जान जोखिम में डालकर नदी नाले पार कर रहे हैं। यहां मटियारी डैम से पानी छोड़ने के कारण माधोपुर के एक घर में अधिक पानी घुसने के कारण पूरा परिवार छत पर फंसा रहा। इस सूचना पर एसडीआरएफ के जवान बोट लेकर मौके पर पहुंचे और दो लोगों का रेस्क्यू किया। एसडीआरएफ ने पूरे परिवार को बचाने के साथ ही बाढ़ में फंसे बकरियों को भी सुरक्षित बाहर निकाला। मध्य प्रदेश में इतनी बारिश हो रही है कि सरकारी स्कूलों की छत टपक रही है। मध्य प्रदेश के शहडोल में बच्चे स्कूल के अंदर छाता लेकर पढ़ाई करने को मजबूर हैं। तस्वीरें देखिए कैसे स्कूल के अंदर बच्चों ने अपने हाथों में छाता लिया हुआ है और वो पढ़ाई कर रहे हैं। मध्य प्रदेश के छतरपुर में बीते 24 घंटों से लगातार बारिश हो रही है, जिसके कारण यहां बहने वाली पन्ना नदी उफान पर है। नदी में इतना पानी भर गया कि इसका पानी पुल के ऊपर तक पहुंच गया। बारिश के कारण कटनी का भी बुरा हाल है, यहां पिछले 48 घंटों से लगातार बारिश हो रही है, जिस कारण शहर की सड़कें पानी में जलमग्न हो गई हैं। पानी ब्रिज के ऊपर से ओवरफ्लो कर रहा है और सड़कें ब्लॉक हो गई हैं। दरअसल मध्य प्रदेश में मॉनसून जो है वो आंख मिचोली खेल रहा है। जी हां, यहां देखिए कई दिनों तक बारिश नहीं होती है और जब होती है तो इतनी होती है कि आफत लेकर आती है। बात दमोह की अगर करें तो यहां पर इलाके में सैलाब आ चुका है। फ्लड रिपोर्ट आपको दिखाते हैं, देखिए। पानी की धार और रफ्तार को देखिए, कैसे पानी तबाही मचाने के लिए मचल रहा है। वॉटरफॉल का ये नजारा काफी मनमोहक है, लेकिन खतरनाक भी है। यहाँ नदी और नाले सभी उफान पर हैं। जल तांडव की ये तस्वीरें मध्य प्रदेश के दमोह की हैं। कल शाम से भारी बारिश हो रही है, जोरदार बारिश के बाद इलाके में सैलाब आ गया। बीती रात भारी बारिश से सबधारा नाले में उफान आ गया। सैलाब बहने की वजह से नाले का पानी राजपुरा मडियादो मार्ग के ऊपर से बहने लगा, जिसके बाद वाहनों की आवाजाही बंद हो गई। दमोह के प्रसिद्ध पर्यटक स्थल गौमुख धाम में भी बारिश के बाद पानी पानी हो गया। नाले में उफान आने से जलप्रपात जैसा नजारा देखने को मिला। सुरक्षा के लिहाज से पुलिस ने नाले पर बैरिकेडिंग कर दी है। मौसम विभाग ने दमोह समेत कई जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। तो पहाड़ों में जिस तरीके से लगातार नॉनस्टॉप बारिश हो रही है उससे नदी नाले उफान पर है। अब चित्रकूट के मंदाकिनी नदी की बात करें तो उसमें जबरदस्त तूफान आया, जिस वजह से रामघाट भी डूब चुका है। जी हाँ, भगवान श्री राम के पावन तपन स्थली जो है वो पूरी तरीके से डूब चुकी है। दुकानें जो हैं वो भी डूब चुकी हैं। पानी जो है वो घरों के अंदर तक घुस चुका है। तस्वीरें आपको दिखाते हैं इस रिपोर्ट के जरिए। मंदाकिनी नदी उफान पर है, कई घाट पानी में डूब गए हैं। रामघाट और भरत घाट पर मौजूद दुकानों में जबरदस्त पानी भर गया है। चित्रकूट एमपी और यूपी दोनों के क्षेत्र में आता है।
दोनों ही इलाकों के गंगा आरती स्थल पानी में डूबे हैं। एमपी में सतना जिले के ऊपरी क्षेत्रों में हुई जोरदार बारिश के चलते मंदाकिनी नदी अचानक उफान पर आ गई, जिसके कारण स्थानीय लोगों को संभलने तक का मौका नहीं मिला और बाढ़ का पानी लोगों के घरों और दुकानों में घुसने लगा। अचानक आई बाढ़ के बाद यूपी और एमपी दोनों ही क्षेत्रों का प्रशासन अलर्ट मोड पर है। प्रशासन लोगों को अपना सामान समेट कर सुरक्षित स्थानों पर जाने की चेतावनी दे रहा है। चित्रकूट में आरोग्य धाम के पास बनी पुलिया पर आवागमन रोकने के लिए एहतियातन पुलिस बल को तैनात किया गया है। पूरे बाढ़ क्षेत्र में नगर परिषद सहित पुलिस प्रशासन लगातार मुस्तैद है। पहाड़ों पर बारिश जो है वो लगातार आफत बनकर बरस रही है। भूस्खलन की वजह से लंबा जाम जो है वो पहाड़ों पर लगा हुआ है। जिंदगी मानो यहाँ ठहर से गई है। जी हाँ, लगातार पहाड़ से चट्टान टूटकर गिर रहे हैं, जिससे न सिर्फ स्थानीय लोग बल्कि पर्यटक भी काफी ज्यादा परेशान और डरे हुए हैं। पहाड़ से मलबा गिर रहा है, बड़े बड़े बोल्डर टूटकर सड़क पर आ रहे हैं और सड़क पूरी तरह से बंद हो गई है। तस्वीरें चंडीगढ़ मनाली नेशनल हाईवे 6 मील के पास लैंडस्लाइड की हैं। भूस्खलन के कारण हाईवे बंद हो गया, जिसके बाद इसको खोलने की कोशिश की जा रही है। मिली जानकारी के मुताबिक ब्लास्टिंग से बड़ी बड़ी चट्टानें तोड़ने के लिए हाईवे के ट्रैफिक को बंद किया गया था। इसके बाद शाम को बारिश का दौर शुरू हुआ और पहाड़ी से भारी मात्रा में पत्थर और मलबा हाईवे पर आ गिरा। इस कारण हाईवे फिर से यातायात के लिए पूरी तरह से बंद हो गया। तो उधर शिमला में कालका शिमला हाईवे पर भयंकर लैंडस्लाइड हुआ। तस्वीरों में देखिए, विशालकाय पहाड़ पल भर में भरभराकर नीचे मलबे में तब्दील हो गया। भूस्खलन के चलते कई गांव का संपर्क टूट गया है और भूस्खलन के साथ साथ लोगों के लिए सड़क खुलने की रही सही उम्मीदें भी धराशायी हो गई हैं। हिमाचल प्रदेश में नॉनस्टॉप लैंडस्लाइड से हालात बिगड़ते जा रहे हैं। लोगों के सामने आवागमन का बड़ा संकट खड़ा हो गया है। तो उधर पहाड़ी राज्य हिमाचल और उत्तराखंड की मुसीबतें फिलहाल कम नहीं होने वाली हैं। मौसम विभाग ने हिमाचल के कई जिलों में भारी बारिश के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। से कुछ देर बाद लगभग 7 बजे के आसपास का वक्त दिया गया है, जब ज्ञानवापी परिसर के अंदर एएसआई सर्वे की जो कार्रवाई होगी वो शुरू होगी। हालांकि हिंदू पक्ष से जुड़े हुए जो लोग हैं वो इस वक्त मस्जिद परिसर के अंदर पहुंच चुके हैं, लेकिन सर्वे की जो टीम है यानी एएसआई की जो टीम है वो अभी तक नहीं पहुंची है और उसका इंतजार हो रहा है। और इन सब के बीच में देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि मुस्लिम पक्ष यानी अंजुमन इंतजामिया कमेटी ने इस पूरे सर्वे का, आज के इस सर्वे का बहिष्कार कर दिया है। उसका यह कहना है कि चूंकि सुप्रीम कोर्ट में इसे लेकर एक याचिका दाखिल की गई है और जब तक इस याचिका पर सुनवाई नहीं हो जाती है लिहाजा इस सर्वे को रोका जाए। इसके पहले भी जब हमने देखा था कि जब सर्वे पार्ट टू की शुरुआत हो रही थी उस दौरान भी अंजुमन इंतजामिया कमेटी का कुछ उसी तरीके का रुख था जो आज है, उस दौरान भी सर्वे का बहिष्कार किया गया था और आज भी बहिष्कार किया गया है। और इन सब के बीच देखिए, हम आपको तस्वीरें भी दिखाने की कोशिश करते हैं। देखिए ये मंदिर परिसर की ओर जाने वाला रास्ता है, यहाँ पे श्रद्धालुओं का रेला है, लेकिन आम दिनों की अपेक्षा यहाँ पर भीड़ कम है क्योंकि बहुत बड़ा दिन है। खासतौर से जो ये इलाका है वो बहुत सेंसिटिव है, ऐसे में सुरक्षा के मद्देनजर इस पूरे इलाके को एक तरीके से खाली करा लिया गया है। एक्का दुक्का ही जो दुकानें हैं उन्हें खोलने की अनुमति दी गई है। इसके साथ ही जो मीडिया की एंट्री है उसको पूरे तरीके से बैन कर दिया गया है। लगभग 200 मीटर पहले ही मीडिया को रोक दिया गया है और आप देखिए कि बैरिकेडिंग्स कर दी गई है। इसके साथ ही जो सुरक्षा के जो पुख्ता इंतजाम है, 3 लेयर सिक्योरिटी की गई है। आप देखिए कि सबसे पहले जो कमांडो जो होते हैं, उसके बाद पीएससी के जवान और अब जो सिविल पुलिस के जवान हैं वो तैनात हैं। हर आने जाने वाले शख्स पर कड़ी निगरानी रखी जा रही है। तो एक बड़ा दिन है और उसी बड़े दिन के लिए खास तौर से इंतजाम किया गया है। देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि आज चूंकि शुक्रवार का दिन है यानी जुमे का दिन है, लिहाजा जो सुरक्षा के मद्देनजर सबसे बड़ा जो एहतियात बरता जा रहा है। और फिलहाल हम एक और तस्वीरें आपको दिखाने की कोशिश करते हैं। जुमे का दिन है और इसलिए इसको देखते हुए सुरक्षा के इंतजाम जो है आशुतोष वो किए गए हैं। हम आपके पास लौटेंगे आशुतोष, लेकिन फिलहाल हमारे साथ है हिमांशु, हमारे सहयोगी भी जुड़े हुए हैं। हिमांशु का रुख कर लेते हैं। हिमांशु जरा आप तस्वीरें दिखाइए, एएसआई सर्वे कितनी देर में शुरू हो जाएगा, क्योंकि पिछली बार हमने देखा था कि एएसआई की टीम जो है बहुत सुबह ही पहुंच गई थी, 6 बजे के लगभग पहुंच चुकी थी।
बिल्कुल देखिए टाइम्स नाउ भारत की टीम यहाँ पर सुबह 5:30 बजे से डेरा डाली हुई है और हम यहाँ पर हर एक तस्वीर हर एक बात सबसे पहले पहुंचाना चाह रहे थे और इसलिए हमने यहाँ पर सबसे पहले जो हिंदूवादी पक्ष है याचिका करता है उन लोगों से बात की, हमने यहाँ पर प्रशासनिक अधिकारियों से बात करने की कोशिश की, हमने यहाँ के इंतजाम के बारे में बताया। तो इंतजाम के बारे में मैं बताता हूँ, सबसे पहले आप ये वाली जो रोड देखेंगे ये वो रोड है जो मैदागंज जिसे कहा जाता है चौराहा, यहाँ से आप थोड़ा सा आगे जाते हैं तो फिर इस तरह पड़ता है मंदिर। और मंदिर से पहले देखिए एक बैरिकेडिंग वहां पर कर दी गई है, एक बैरिकेडिंग यहां पर की गई है और इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि हर 100 मीटर पर एक बैरिकेडिंग की गई है और 100 मीटर पर ये बैरिकेडिंग इसलिए की गई है ताकि यहां पर कोई भी जा ना सके। दो पहिया वाहन चार पहिया वाहन पूरी तरह से यहां पर बैन कर दिया गया है क्योंकि यहां से आगे किसी को भी नहीं जाने दिया जा रहा है। अनाउंसमेंट लगातार किया जा रहा है कि कोई भी मोबाइल आप लेकर नहीं जा सकता। अपडेट और तस्वीर आपके माध्यम से दर्शकों तक पहुंचाते रहेंगे क्योंकि आज अपने आप में बहुत बड़ा और अहम दिन है, आपका रुख करेंगे। लेकिन गौरव भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, गौरव आपके पास क्या इन्फॉर्मेशन है सुबह सुबह? बिल्कुल देखिए अभी हम लोगों ने थोड़ी देर पहले सभी पक्षकारों से बात की और हिंदू पक्षकारों का कहना है कि पिछली बार इस तरह की समस्या आई थी कि तहखाने की जो चाबी है वो नहीं मिली थी, ऐसे में कल जो मीटिंग हुई है जिला प्रशासन के साथ ये इंश्योर किया गया है कि जिस भी चाबी की जिन भी चीजों की आवश्यकता जो है वो सर्वे टीम को पड़ेगी वो जो है वहां पर उनको दिलवाया जाएगा। और साथ ही साथ हाईकोर्ट ने अपने आदेश में साफ कहा है कि मुस्लिम पक्ष को वहां मौजूद रहना होगा लेकिन सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई से तक जो है संभवतया जो है वो मुस्लिम पक्ष जो है वो सर्वे से दूर रह सकता है और यही वजह है कि अभी इस बात को लेकर संशय बना हुआ है कि आखिर सर्वे की प्रक्रिया क्या रहेगी कैसे होगी। लेकिन पिछले बार जो सर्वे हुआ था उस दौरान जो है फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी जो है वो पश्चिमी दीवार की और अन्य इलाकों की ज्ञानव्यापी परिसर में कर दी गई थी जहां पर जिन जिन इलाकों का सर्वे किया जाना है और चूंकि अभी एक लंबी प्रक्रिया है इसमें वीडियोग्राफी फोटोग्राफी होने के बाद एक मैपिंग होगी, उसके बाद जो ऑपरेटर्स हैं यानी कि जीपीआर सर्वे के जो मशीनें हैं उनको इंस्टॉल करने के बाद जो है ये सर्वे शुरू किया जाएगा और इस बात को पूरी तरह से सुनिश्चित एएसआई करेगा कोर्ट में हलफनामे के मुताबिक कि एक भी हिस्सा प्लास्टर का टुकड़ा भी ज्ञानव्यापी परिसर का ना टूटे। तस्वीर में दिखा दूं, गौरव 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 पूरी तरह से गौरव अपडेट आपसे लेते रहेंगे, फिलहाल आप नजर बनाए रखिए। आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। और चलिए अब खबरों में आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे पंजाब के लुधियाना की जहां आग ने जमकर तांडव मचाया है। जी हाँ, फैक्ट्री में आग लग गई और तेजी से फैलती गई, आखिर आग लगने की वजह क्या थी और कब ये आग लगी है सारी इन्फॉर्मेशन इस रिपोर्ट में। चारों तरफ अफरा तफरी मची है, आग की लपटें उठ रही हैं, पूरा इलाका आग से धधक रहा है। तस्वीरें पंजाब के लुधियाना से आई हैं जहां लुधियाना में गिल रोड स्थित साइकिल मार्केट में दो मंजिला साइकिल फैक्ट्री में अचानक भीषण आग लग गई। आग लगते ही पूरे इलाके में अफरा तफरी मच गई। मौके पर पहुंची दमकल की गाड़ियों ने कई घंटों की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। अंदाजा लगाया जा रहा है कि आग शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी। फिलहाल आग पर काबू तो पा लिया गया है लेकिन आग से फैक्ट्री में नुकसान काफी हुआ है। गनीमत ये रही कि जिस वक्त फैक्ट्री में आग लगी उस वक्त फैक्ट्री खाली थी, जिसके चलते राहत की बात यह है कि इस हादसे में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। और चलिए महाराष्ट्र के थाने से एक हैरान करने वाला वीडियो आपको दिखाते हैं जो कि आपने भी मुझे लगता है देखा होगा, सोशल मीडिया पर काफी वायरल भी हो रहा है, जिसमें एनसीसी स्टूडेंट्स की पिटाई की जा रही है वो भी बहुत ही इनह्यूमन तरीके से। वजह क्या है वो भी बताएंगे। बिल्कुल, वीडियो वायरल होने के बाद हड़कंप मचा हुआ है, कौन है ये छात्र, पूरा मामला क्या है इस रिपोर्ट में दिखाते हैं, देखिए जरा। महाराष्ट्र के थाने से एक दिल दहला देने वाला वीडियो सामने आया है। बारिश के बीच एनसीसी छात्रों की बेरहमी से पिटाई की जा रही है। मामला ठाणे के बंदोलकर और जोशी बेटकर कॉलेज का है। वीडियो में 6 छात्र दिखाई दे रहे हैं जिसको सर के बल उल्टा करके एक शख्स बेरहमी से डंडे बरसा रहा है। बारी बारी से छात्रों की बेरहमी से पिटाई की जा रही है। अब इस छात्र को देखिए, डंडे पड़ने के बाद ये एनसीसी छात्र दर्द के मारे कराह रहा है लेकिन डंडे बरसाने वाले को कोई फर्क नहीं पड़ रहा। कुछ छात्रों ने पूरे मामले को कैमरे में चुपके से कैद कर लिया जिसके बाद से ये वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। छात्रों और उनके अभिभावकों ने वीडियो देखा तो पैरों तले जमीन खिसक गई। इस वायरल वीडियो में जो युवक छात्रों को मार रहा है वो खुद एनसीसी का सीनियर छात्र बताया जा रहा है। स्कूल के प्रिंसिपल के मुताबिक मामले का संज्ञान लिया गया है और जल्द इस पर कार्रवाई की जाएगी।
ताजमहल घूमने आए पर्यटकों के साथ कुछ दिन पहले किस तरीके से मारपीट की गई थी उसका एक वीडियो वायरल हुआ था, ऐसा ही एक और वीडियो अब सामने आया है। जी, किसने मारपीट की है और आखिर ये मारपीट हुई क्यों, पूरा मामला, पूरा विवाद क्या है, सारी इन्फॉर्मेशन इस रिपोर्ट में। सबसे पहले इन तस्वीरों को देखिए, देखिए कैसे ये शख्स ताबड़तोड़ थप्पड़ चला रहा है। बात सिर्फ थप्पड़ तक ही नहीं रुकती है, ये आगे बढ़ता है और बाल पकड़ कर खींचता है और फिर दोबारा शुरू हो जाता है। थोड़ी बीच बचाव की कोशिश होती है लेकिन हाथापाई रुकती नहीं। अब आप इस तस्वीर को देखिए, ये वही शख्स है जिसे पीटा गया। देखिए मारपीट के बाद कैसी हालत हो गई है इसकी। अब उस शख्स की हेकड़ी भी सुन लीजिए जिसने मारपीट की है। अरे मारा क्यों था भाई? देखा आपने, तस्वीरों में ये शख्स पीटता दिख रहा है। बता दें कि ये तस्वीरें आगरा की हैं, जहां ताजमहल के पूर्वी गेट पर मारपीट की घटना हुई और ये पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई। पूरा मामला पैसे की लेन देन से जुड़ा है। दरअसल पीटने वाला शख्स लोकल हॉकर है और जिसे पीटा गया है वो व्हील चेयर चलाने वाला। एक पैसेंजर को छोड़ने पर लोकल हॉकर ने पैसे की मांग की और बात इतनी बढ़ गई कि देखते ही देखते मारपीट होने लगी। और अगली खबर बरेली से, जहां पर एक अवैध मदरसे में अब तक का सबसे बड़ा एक्शन देखने को मिला है। जी हां, बुलडोजर एक्शन। क्यों हुआ मदरसे पर एक्शन और प्रशासन का इस पूरे मामले पर क्या कुछ कहना है, प्रशासन के एक्शन के बाद क्या कुछ हुआ, रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। देखिए इन तस्वीरों को, बुलडोजर का वार जारी है, एक के बाद एक प्रहार किए जा रहे हैं और जिस मकान को धराशायी किया जा रहा है वो है अवैध मदरसा। अवैध रूप से बने मदरसों के खिलाफ एक्शन की कड़ी में बरेली प्रशासन ने ये बड़ी कार्रवाई की है। प्रशासन ने ग्राम सभा की जमीन पर बने एक मदरसे पर न केवल बुलडोजर चलाया बल्कि इस मदरसे से जुड़े लोगों को कड़ी चेतावनी भी दी है। प्रशासनिक अधिकारियों के मुताबिक अवैध मदरसों के खिलाफ शुरू अभियान में ये अब तक का सबसे बड़ा एक्शन है। बताया जा रहा है कि यहाँ केवल जमीन पर कब्जा करने के लिए मदरसे का नाम दिया गया था, जबकि इसके पीछे उद्देश्य इसमें बनी दुकानों को किराए पर देकर कमाई करनी थी। अधिकारियों के मुताबिक इनमें से कुछ दुकानें किराए पर उठाई भी गई थी। मामला बरेली के नवाबगंज में रूपपुर पैगा का है। सरकारी जमीनों को अतिक्रमण मुक्त कराने और अवैध रूप से चलाए जा रहे मदरसों के खिलाफ जारी अभियान के तहत बरेली जिला प्रशासन ने इस मदरसे के संचालकों को नोटिस दिया था। इस मौके पर SDM राजेश चंद्रा और CO थाना पुलिस के अलावा 2 प्लाटून PAC के साथ मौजूद थे। SDM के मुताबिक इस कार्रवाई के दौरान ड्रोन से वीडियोग्राफी कराई गई। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। जो पानी आप मिनरल समझकर पीते हैं, अगर सोचिए आपको पता चले कि वो पानी नकली है तो आपको कैसा लगेगा? जहाँ गुजरात के सूरत से एक मिनरल वाटर फैक्ट्री का भंडाफोड़ हुआ है जो कि नकली और अवैध तरीके से चलाई जा रही थी और पानी की बोतल में फर्जी लेबल चिपका करके आपके घर तक पहुँचाया जा रहा था। गुजरात के सूरत में गोरख धंधे का पर्दाफाश हुआ है। यहां पुलिस ने मिनरल वाटर बनाने वाली फैक्ट्री पर छापेमारी कर नकली पानी की हजारों बोतलों को जब्त किया है। वराछा इलाके में ये फैक्ट्री धड़ल्ले से चल रही थी जिसमें नकली पानी को बोतलों में भरकर पैकिंग कर दूसरे राज्यों में भेजा जाता था। हैरानी की बात यह है कि पानी की बोतलों को क्लियर ब्रांड का नाम चोरी कर बेचा जा रहा था। पुलिस के मुताबिक हजीरा स्थित एनर्जी बेवरेजेस प्राइवेट लिमिटेड कंपनी क्लियर नाम से मिनरल पैकेज ड्रिंकिंग वाटर बनाती है। कंपनी के सेल्स मैनेजर को सूचना मिली थी कि वराछा के भाजियावाला इंडस्ट्रियल एस्टेट में क्लियर ब्रांड की नकल कर मिनरल वाटर बेचा जा रहा है। कंपनी ने पुलिस को मामले की जानकारी दी जिसके बाद वराछा पुलिस ने अधिकारियों के साथ प्लांट पर छापेमारी की तो पूरे गोरख धंधे की पोल खुल गई। वराछा पुलिस आरोपी के खिलाफ कॉपीराइट एक्ट के तहत मामला दर्ज कर आगे की जांच कर रही है। और 7:27 में आपको दिखाएंगे खबरें झटपट सुपर फास्ट अंदाज में। जी हाँ, फिलहाल रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन आगे खबरें और भी हैं, बने रहिए हमारे साथ।
पावर्ड बाय एमडीएच चंकी चाट मसाला, लाइफ में असली स्वाद जगाए एमडीएच चंकी चाट मसाला। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सबको मजेदार बने। महाशय धर्मपाल जी की जन्म शताब्दी के अवसर पर एमडीएच अपने उपभोक्ताओं का सादर धन्यवाद करता है। राशि की स्कूल फीस, घर का किराया, कितनी जिम्मेदारियां हैं सर पे। तुम तो टर्म लाइफ इंश्योरेंस लिए बिना ही चलेगा। पॉलिसी बाजार में 1 करोड़ का टर्म लाइफ इंश्योरेंस सिर्फ 430 रुपए महीने से शुरू। स्कूलों में स्मार्ट क्लासेस, सड़कों पर लाइट्स, स्वरोजगार से बढ़ी कमाई, डबल इंजन का दम, यूपी नंबर 1। बलरामपुर में तेज है विकास की रफ्तार। आकांक्षी जिलों की सूची में शामिल उत्तर प्रदेश के बलरामपुर जिले ने शिक्षा, स्वास्थ्य और पोषण में अहम सुधार किया है। स्कूलों में स्मार्ट क्लासेस हैं, आंगनवाड़ियों का विस्तार हुआ है, हर घर में शौचालय और नल से जल है। खुशहाली और आर्थिक उन्नति जिले की दिशा और दशा बदल रही है। 2018 में बलरामपुर ने टैब लैब परियोजना सहित नीति आयोग द्वारा परफॉर्मेंस ग्रांट के रूप में 22 करोड़ रुपए का अनुदान पाया है। स्कूलों के बुनियादी ढांचे के नवीनीकरण और स्मार्ट क्लासेस से शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ी है। रोजगार सुनिश्चित कर रहे 10,000 से ज्यादा स्वयं सहायता समूह आर्थिक गतिविधियों के केंद्र बने हैं। कुछ दीदियां हमारे बाहर से आई जिन्होंने हमारे समूह का गठन किया, बचत पैसा जमा किया, जिससे हमारे बैंक में अकाउंट खुला, जिससे आज हमारा प्लांट चल रहा है और हम लोग बहुत खुश हैं। जिले ने सेहत के पैमाने पर भी बेहतर काम किया है। टीकाकरण कवरेज और संस्थागत प्रसव के जरिए बच्चों और गर्भवती महिलाओं की सेहत और पोषण पर खास ध्यान दिया गया है। जिले में 85 करोड़ 15 लाख रुपए की लागत से अस्पताल का निर्माण तेज गति पर है। मैं बधाई दूंगा यहाँ के जनप्रतिनिधियों को और जिला प्रशासन को और बलरामपुर की जनता जनार्दन को भी कि जिन्होंने आकांक्षात्मक जनपद से उभर करके अब विकास की प्रक्रिया के साथ तेजी के साथ बढ़ते हुए जनपद के रूप में अपना नाम दर्ज कराया है। आकांक्षी जिला योजना के तहत बाढ़ प्रभावित परिवारों के पुनर्वास के लिए शहरी आवासीय कॉलोनी विकसित की गई है। हर घर नल से जल और शौचालय जैसी सुविधाओं पर 3.5 करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं। विकास की आकांक्षा को लगे पंख। There was a young lady from Bangalore. She got EBCO Compact Room Fittings and became quite interesting. EBCO Compact Room Fittings. They change you. EBCO. Live effortless. झंझनाहट से जल्द आराम पाए सेंसोडाइन रैपिड रिलीफ के साथ। मैजिक मिक्स पे घरों के इतने कमाल के ऑप्शंस हैं। शॉर्टलिस्ट भी लॉन्ग लिस्ट बन गई है। लॉन्ग तो गेस्ट लिस्ट हो गई है। हाउसवार्मिंग पार्टी अभी से? अभी तो घर डिसाइड करना है। तभी तो पार्टी में सबको बुलाया है प्रॉपर्टी के एडवाइस के लिए। वकील अंकल, एनसाइक्लोपीडिया रोहन, वो सोसाइटी की प्रॉपर्टी एक्सपर्ट है विम्मी आंटी, और वास्तु वाले मामा जी, अंजलि मासी। रियल एक्सपर्ट्स से एडवाइस लो ना। यू नहीं, मैजिक ब्रिक्स फॉर प्राइस ट्रेंड्स, लोकेलिटी रिव्यूज, लीगल असिस्टेंस और सारी एक्सपर्ट एडवाइस। मैजिक ब्रिक्स, प्रॉपर्टी सही और अब सर्विसेज सभी। जी हाँ, सिर्फ केंट देता है 4 साल तक फ्री सर्विस, और सर्विस मिले सबसे फास्ट। केंट का सबसे शुद्ध पानी पीते रहें और बेफिक्र रहें। My turn. The badass reborn. Kia, movement that inspires. ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। फिट इंडिया का सुपर हिट बुलेटिन आप देख रहे हैं। खबर नोएडा से है। नोएडा की बहुमंजिला इमारतों में दरअसल लिफ्ट इन दिनों परेशानी का सबब बनी हुई है। कभी लोग जो हैं वो लिफ्ट में घंटों तक फंस जाते हैं, तो कभी लिफ्ट जो है हादसे का शिकार हो जाती है। कुछ ऐसा ही मामला नोएडा के पारा सोसाइटी से सामने आया जहां पर लिफ्ट जानलेवा साबित हुई। आप भी देखिए। दिल्ली से सटे नोएडा में एक दर्दनाक हादसा हुआ है। यहां एक सोसाइटी में लिफ्ट गिरने से एक महिला की मौत हो गई। मामला सेक्टर 137 की फारस टियरा सोसाइटी का है। महिला 8वें फ्लोर से नीचे जा रही थी, इसी दौरान लिफ्ट की तार टूट गई और लिफ्ट नीचे बेसमेंट 2 में जा गिरी, जिससे महिला गंभीर रूप से घायल हो गई। आनन फानन में घायल हालत में महिला को नजदीक के अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया।
सोसाइटी के टावर नंबर 24 के फ्लैट नंबर 803 में रहने वाली सुशीला देवी अपने बेटे और बहू के साथ यहां रह रही थी। इस हादसे के बाद सोसाइटी के लोगों ने जमकर हंगामा किया। सोसाइटी परिसर में लोगों की भीड़ जुट गई। बिल्डर और एओए प्रेसिडेंट के खिलाफ लोगों का गुस्सा जमकर फूटा। हालात की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। हालात बेकाबू होते देख पुलिस ने हंगामा कर रहे लोगों पर लाठी चार्ज कर दिया। किसी तरह मामले को शांत करवाया गया। इस दौरान पुलिस एओए प्रेसिडेंट को अपने साथ थाने ले गई। पुलिस को यह सूचना लगभग 7:15 बजे दी गई और पुलिस जो है जब पहुंची वहां पे तब तक महिला की मृत्यु हो चुकी थी। इसके उपरांत लगभग 7:45 बजे फोन आता है कि पारस टेरा सोसाइटी में कुछ लोग इकट्ठा हो रहे हैं और इस पर तत्काल कार्रवाई करते हुए थाना पुलिस मौके पर पहुंची और जो वर्तमान एओ के अध्यक्ष हैं उनको जो है अपने साथ गाड़ी में बैठा लिया। इस पर कुछ लोग वहां पे आ गए और वहां पे इकट्ठे हो गए। उनका यह कहना था कि जो वर्तमान एओ के अध्यक्ष हैं उनकी समस्त कार्यकारिणी यहां पे आए और इस्तीफा दें, जबकि उनके परिजन तत्समय थाने पर मौजूद थे और तहरीर दे रहे थे। परिवारजन तहरीर दे रहे हैं। तहरीर प्राप्त करके अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। इस हादसे के बाद सोसाइटी के लोग खौफ के साए में जीने को मजबूर हैं। भावना किशोर हमारे साथ जुड़ चुकी है। भावना, अगर इतनी बड़ी सोसाइटी में इस तरीके की लापरवाही सामने आएगी तो लोग भरोसा नहीं कर पाएंगे कि हाईटेक सोसाइटी में भी वो खुद को सुरक्षित महसूस कर पाए। बिल्कुल दीपिका, नोएडा 137 पारस टेरा सोसाइटी के बाहर मौजूद है, लेकिन आपको बता दें, तस्वीर में दिखा देते हैं कि ये यहीं की घटना है। टावर 24 में ये घटना हुई है जहां पर लिफ्ट 8वीं मंजिले से सीधा नीचे माइनस में आ जाती है और 70 वर्षीय वृद्ध महिला की मौत हो जाती है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इस तरह की जो घटनाएं हैं वो एक नहीं है, पहले भी बहुत सारी घटनाएं हुई थी। हाल फिलहाल में एक बच्चे की लिफ्ट में गिरने से मौत हो गई थी। लेकिन सोसाइटी आखिर इसको जिम्मेदार किसको मानते हैं, उनसे बात कर लेते। कुछ लोग हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। सर, जो घटना कल हुई है वो काफी ज्यादा एक डर भी पैदा करती है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि इतने भारी तादाद में लोग यहाँ रहते हैं, तो एक डर जैसा माहौल बहुत ज्यादा। मैं टावर 24 में रहता हूँ और अब कल से हम लोग लिफ्ट यूज नहीं कर रहे हैं। एक लिफ्ट चल रही है उसको भी हम यूज नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हमको बिल्कुल भी भरोसा नहीं है जो यहाँ की मैनेजमेंट है उसके ऊपर। अब लिफ्ट जो है वो यहाँ पे थाइसन क्रप की है और लिफ्ट की मेंटेनेंस एएन सिक्योरिटीज को दी हुई है, जिनको लिफ्ट मेंटेनेंस में कोई एक्सपीरियंस नहीं है। भावना, लोगों को आखिरकार भरोसा कैसे होगा अगर इस तरह के हादसे होते रहेंगे? ऐसे में देखना यह होगा कि सोसाइटी के जो जिम्मेदार लोग हैं उन्हें एक सख्त कदम जरूर उठाना चाहिए, ताकि लोग सोसाइटी में रहने के लिए जो जाते हैं वो खुद को सुरक्षित महसूस कर सके। बहुत बहुत शुक्रिया भावना तमाम जानकारी देने के लिए। खबरों में आगे बढ़ते हुए बात करते हैं हापुड़ की, जहां पर दोस्ती को शर्मसार कर देने वाला मामला सामने आया है। दरअसल दो दोस्तों ने अपने ही दोस्त मिलकर के मर्डर कर दिया। जी हाँ, हत्या का कारण आप सुनेंगे तो आप भी दंग रह जाएंगे। खेल खेल में दोस्ती कातिल कैसे बन गए, रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाते हैं। यूपी के हापुड़ से सनसनीखेज वारदात सामने आई है। यहाँ दो दोस्तों ने अपने एक दोस्त की गला दबाकर हत्या कर दी। पुलिस के मुताबिक दोनों आरोपी लूडो गेम में पैसे हार गए थे। हापुड़ देहात के ग्राम गोंदी में दो युवकों द्वारा सत्तार के खेत में लूडो खेलते समय अपने एक साथी युवक द्वारा पैसे हार जाने के कारण उसकी गला दबाकर हत्या कर दी। इसके उपरांत उसके शव को प्लास्टिक के बोरे में डालकर मोटरसाइकिल पर ले जाकर काठीखेड़ा नहर में डाल दिया गया। उक्त के संबंध में थाना हापुड़ देहात पर मुकदमा अपराध संख्या 262/23 धारा 302-201 IPC पंजीकृत करके उक्त दोनों अभियुक्तों को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया है। पुलिस के मुताबिक आरोपियों ने बताया कि 20 जुलाई को मक्का के खेत में मोबाइल फोन पर लूडो खेल रहे थे। हार और जीत के लिए रुपए दांव पर लगे हुए थे। लूडो खेलने के दौरान नादिश 15,000 रुपए जीत गया। हार के बाद नौशाद और फैजान ने नादिश से जब जीते हुए रुपयों को वापस किए जाने की मांग की तो झगड़ा शुरू हो गया। विवाद इतना बढ़ा कि नौशाद और फैजान ने नादिश की गला दबाकर हत्या कर दी और शव को खेत में ही छोड़कर वहां से चले गए। रात के समय दोनों आरोपी प्लानिंग के तहत बाइक पर सवार होकर वापस खेत पर पहुंचे, जहां उन्होंने नादिश के शव को एक बोरे में बंद किया और रात के अंधेरे में गंगा नहर में ले जाकर बोरे को फेंक दिया। मृतक नादिश के शव की तलाश के लिए पुलिस की तरफ से सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। यूपी में अपराधियों पर ताबड़तोड़ एक्शन जारी है, बावजूद इसके अपराधियों के हौसले जो हैं वो काफी बुलंद है। जी हाँ, फिरोजाबाद की बात करें तो अज्ञात बदमाश ने सब इंस्पेक्टर पर फायरिंग कर दी है और उसके बाद क्या हुआ देखिए इस रिपोर्ट।
यूपी के फिरोजाबाद से हत्या की सनसनीखेज वारदात सामने आई है। यहां एक दारोगा की अज्ञात लोगों ने गोली मारकर हत्या कर दी। दरअसल अराउं थाने में तैनात दिनेश मिश्रा दबिश देकर लौट रहे थे, इसी दौरान उन पर कुछ लोगों ने फायरिंग कर दी। आनंद फानंद में दारोगा को अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां इलाज के दौरान दारोगा की मौत हो गई। इस वारदात के बाद पुलिस महकमे में हड़कंप मचा हुआ है। अब इंस्पेक्टर दिनेश कुमार मिश्रा जो थाना अराव में पोस्टेड है, वो एक विवेचना डाउरी एक्ट की करके चंद्रपुर गांव से वापस लौट रहे थे। उनके साथ में एक प्राइवेट व्यक्ति था मोटरसाइकिल पे, जिसमें ये बताया जा रहा है कि वो मोटरसाइकिल चला रहे थे। इसमें गांव से लौटते वक्त में जो गांव का सुनसान रास्ता है, जिसके दोनों तरफ झाड़ियां हैं, उसमें बताया जा रहा है कि कोई गोली चली है। और वो गोली इनके अभी जो हमने देखा है यहाँ पर कि गोली जो है राइट साइड में गले के लगी है और उसमें टैटूइंग ब्लैकनिंग भी है। घटना की जानकारी मिलते ही एसपी ग्रामीण सहित कई थानों की फोर्स मौके पर पहुंची और मामले की जांच में जुट गई। इसमें टीमों का गठन मैंने कर दिया है, जो एसओजी टीम है, इसके अलावा तीन थानों की टीम जो है वो मैंने गठन की है, और इसमें जल्दी ही इसका खुलासा किया जाएगा और जो भी इसमें दोषी होगा उसके खिलाफ में हम कठोर से कठोर कार्रवाई करेंगे। दिनेश मिश्रा आगरा के कालंदी विहार के रहने वाले थे। वो अराउं थाना चंद्रपुरा चौकी के प्रभारी थे। हत्या करने वाले कौन थे, हत्या की वजह क्या थी, ये सब साफ नहीं हो सका है। नदी का लेवल हाई, जिंदगी की लड़ाई।